हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप कोर्स हीरो से पेमेंट कब निकालोगे, कब आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा करके कमेंट मैंने 4-5 देखा है, तो सोचा कि आज एक वीडियो बना के ही बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहता है। तो एक बात आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये होगी कि जैसे ही आपका $20 पहुँचता है अवेलेबल सेक्शन में, जैसे ही $20 पहुँचता है तो आपको पैसा निकाल लेना है। ठीक है, ये तो होगी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि आप पेमेंट, मतलब मान लो कि हमारे अवेलेबल में $20 हो गया, और आज के दिन निकालना चाहिए, कल के दिन निकालना चाहिए, या फिर मतलब कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको किस डे को निकालना चाहिए, किस डेट को निकालना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले समझाने के लिए मैं आपको ले चलूँगा मैं अपने गूगल कैलेंडर पे। ठीक है, जैसे सपोज मानो आज संडे है, ठीक है, संडे है, तो हम यदि मैं आज अवेलेबल से अपना कोर्स हीरो से यदि मैं अपना पैसा निकालूंगा तो मैं कल का देखूंगा। ठीक है, कि कल हॉलीडे तो नहीं है, जैसे कि आज 13 है तो 14 को हॉलीडे तो नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि पेपल देखिए वो 24x7 वर्क करता है, लेकिन जो बैंक्स जो होती है, जैसे इंडियन बैंक हो गई या फिर दूसरे कंट्री की बैंक हो गई, वो उनका कुछ हॉलीडे होता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में देखे तो सेकेंड और फोर्थ जो सैटरडे होता है उसका छुट्टी होता है, संडे को छुट्टी होती है, या फिर किसी नेशनल डे हो गया उस दिन छुट्टी रहेंगी। ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, बैंक आपका काम नहीं करता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि पेपल यदि ट्रांजैक्शन करता भी है, जैसे ये 24 घंटा में जनरली आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि 24 घंटा में ट्रांसफ़र कर दिया और नेक्स्ट डे आपका बैंक हॉलीडे पड़ गया, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो एकदम से दबता चला जाएगा। जैसे आप समझिए कि जैसे आप रैक पे बुक रख रहे हो, ठीक है, तो आपका पेमेंट सबसे नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरा ट्रांजेक्शन, तो पहले ऊपर का ट्रांजेक्शन क्लियर किया जाता है, फिर लास्ट की ट्रांजेक्शन की जाती है। तो आप पहला चीज़ डिसाइड करो कि आज यदि मैं ट्रांजेक्शन अपना निकाल रहा हूँ या फिर कोर्स हीरो से पेमेंट निकाल रहा हूँ तो नेक्स्ट डे कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 दिन भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 15 को देखिए कि इंडिपेंडेंस डे, हो सकता है कि 14 को हमारा ट्रांजेक्शन ना हो और 15 को क्या हो जाए कि पेमेंट फिर से हमारी फंसी रह जाए। ठीक है, तो इस तरह आपको वीक लग जाता है। तो आप ये पहला पॉइंट नोट डाउन कर लोगे, और संडे को आप निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे, देखो कोर्स हीरो से आप संडे को यदि पेमेंट निकालते हो तो उसी वक्त आपका पेपल में चला जाता है। ठीक है, यदि 12 बजे रात से पहले करते हो और सैटरडे 12 बजे रात के बाद करते हो, ठीक है, ये एक दिन का हुआ, ये संडे का दिन हुआ, तो इस दिन करते हो तो आपका मंडे को आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन उस दिन बैंक का हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। बस 2 बातें ध्यान में रखो, आपको कोई इशू नहीं होगा पेमेंट रिलेटेड, आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट आएगा। मैं यही ट्रिक करता हूँ, जैसे मैंने आज पैसा निकाला है, ठीक है, तो मेरा कल आ जाएगा, मेरा 2 दिन में जनरली पैसा आ जाता है। तो इस तरह करके आपको देख लेनी है। ठीक है, और देखिए ये कोर्स हीरो पे ना ज़्यादा पैसा अवेलेबल सेक्शन में नहीं रखना है, जैसे ही $20 हो आप कोशिश करो आप निकाल लो। ठीक है, तो आपको ऐसे $20 हो गया तो किसी दिन नहीं निकाल लेना, आपको डेट भी डिसाइड करना है, तो कुछ दिन रुकना पड़े तब भी रुक जाओ, ऐसा आपका ट्रांजेक्शन स्मूदर होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोर्स हीरो रिलेटेड बायजूस, ट्यूटर मी, स्टडी पूल, इस सारी चीज़ें से मैं वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं यदि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।